हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्मृति चित्रण में एक बैडमिंटन रैकेट और शटल कॉक का चित्रण करेंगे और उसमें छाया प्रकाश दिखाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। बैडमिंटन रैकेट बनाने के लिए हम पहले एक इस तरह से स्लैंटिंग लाइन खींच लेते हैं जो 13-14 सेंटीमीटर की होगी और उसके बाद हम नीचे वाला हैंडल वाला हिस्सा बनाते हैं। तो इस लाइन को सेंटर मान के करीब 3 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे और दोनों साइड में इस तरह से थोड़ी लाइन खींचेंगे। ये हैंडल होता है इसका। इस तरह से और इसके बाद ये बीच वाला हैंडल का हिस्सा बनाएंगे। इसके बाद हमारा ये जाली वाला हिस्सा बनेगा। तो इसके लिए हम ये जो हमारी लाइन है सेंटर की, इससे हम एक सर्कल बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। और इसी तरह से बिल्कुल इस साइड भी बनाएंगे सर्कल। अब इसका बाहरी साइड बना लेंगे, यानी इस लाइन को डबल कर देंगे और नीचे ये लाइन इस तरह से इस हिस्से से जुड़ जाएगी। ऐसे ही इस साइड में भी कर लेंगे। और नीचे की साइड में इस तरह होता है। इस तरह से हमने अपने रैकेट की आउटलाइन बना ली है और अब हम इसको अनावश्यक रेखाओं को मिटा के और अपनी लाइंस को प्रॉपर बना लेंगे। इसके बाद ये जाली वाला हिस्सा बनाएंगे। इसको हम स्केल से कर सकते हैं। हमारा रैकेट बन गया है। अब हमें इसमें छाया और प्रकाश दिखाना है।
अब इसमें छाया प्रकाश दिखाने से पहले एक चीज़ और रह गई है, ये हिस्सा जो है इसका जिसमें जाली बनी हुई है, इसमें यहाँ पे जोड़ होता है, ये यहाँ से इस तरह से, इतना ही हिस्सा इधर भी कर लेंगे और ये थोड़ा सा बाहर, इसी तरह इसमें एक डिज़ाइन जैसी बनी होती है। कुछ हिस्सा डार्क कलर का पेंट किया हुआ होता है और कुछ लाइट होता है, तो ये निशान भी लगा लेंगे हम। अब हम इसमें छाया प्रकाश दिखाएंगे, इसके लिए 6B पेंसिल का प्रयोग करेंगे और एक साइड से पहले तो हम ये डार्क वाला हिस्सा डार्क दिखा देते हैं, यानी ये डार्क कलर से पेंट किया हुआ है। इसके बाद इसके जो हैंडल होता है पकड़ने वाला, इसमें भी एक डिज़ाइन सी बनी होती है, थोड़ा स्पंज जैसा लगा हुआ होता है, तो उसको भी या तो इस तरह से बना लेते हैं या फिर ज़्यादा डार्क इसको हम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपने इसमें छाया प्रकाश दिखाएंगे, तो एक तरफ से थोड़ा सा डार्क दिखा देंगे बस, इसमें ज़्यादा शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अपनी लाइंस को थोड़ा डार्क कर लेंगे। और अंत में अपने चित्र को साफ कर लेंगे। इसके बाद हमें शटल कॉक बनानी है। शटल कॉक बनाने के लिए एक हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से, ये लाइन हमारी करीब 3.5 सेंटीमीटर की खींची है और इसको एक वी आकार दे देंगे, ऐसे ही रफ आकार देना है वी। इसके बाद इसमें नीचे की साइड में एकदम गोल बना हुआ होता है, इसके बाद पंख निकले हुए होते हैं, तो पंख निकालने के लिए हम चाहे तो स्केल से भी लाइन खींच सकते हैं और चाहे ऐसे हाथ से खींच लेते हैं। और इतना ध्यान रखेंगे ये इस तरह से हल्का सा कर्व लेके होंगे पंख इसके, और इसके बाद इसमें हम पंख बना देंगे। ये शटल कॉक बन गई है, इसमें भी थोड़ा सा शेडिंग कर देते हैं।
इस तरह से शटल कॉक और रैकेट बन के तैयार है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।